हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको इस सदाबहार को कटिंग से और आप बोतल में किस तरह से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये देखिए हमारी ये गमला में मैंने कटिंग द्वारा भी इस पौधे को तैयार किया है। और इस पौधे को आपको किस तरह से कटिंग लगाना है, तो मैं आपको जो आपके घर में खाली बोतल पड़े हैं, जो बेकार बोतल पड़े हैं जिससे आप पानी पीते हो दोस्तों, उस बोतल की मदद से आप उसमें भी पौधा लगा सकते हो। तो मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से उस बोतल की मदद से आप पौधे तैयार करोगे। तो ये देखिए, ये हमारे पेप्सी का बोतल है। ये देखिए बड़े बोतल हैं, जिसे 2 लीटर का बोतल है, उसे मैंने इसको हाफ में काट लिया है। इस तरह से मैंने इस बोतल को काट लिया है और काट कर इसमें मैं देखिए इस तरह से ये ढक्कन है, यहाँ मैंने इस तरह से इसको रखी है। और इसमें मैं मिट्टी भरती हूँ। मिट्टी भरकर इस मिट्टी भरकर इसमें मैंने आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए इस बोतल में मिट्टी भर रही हूँ और इसमें मैं पौधे लगा कर दिखाती हूँ कि सदाबहार का पौधा आप उल्टा इस प्लास्टिक का बोतल में आप किस तरह से ग्रो लाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें मिट्टी को अवेलेबल भर चुकी हूँ और इसमें मैं थोड़ा पानी डालती हूँ, क्योंकि ये पानी यदि डालूँगी तभी इसमें ग्रो कर पाएगी। इस तरह से मैंने बोतल को देखिए यहाँ खड़ा कर रखी हूँ और इसमें इस तरह से मैंने मिट्टी भर दिया है। और देखिए इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आपको कटिंग कैसे करना है दोस्तों, ये देखिए इनके जो फालतू टहनी है, इस तरह से इनके मोटे कलियां हैं, टहनियां हैं, इसको कटिंग करना है आपको। तो मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ, इस तरह से आपको काट लेना। ये देखिए मैंने इस पौधे को इस तरह से कटिंग कर लिया है और इस कटिंग से इसको एक अलग रूप से काट ले रही हूँ, क्योंकि जब भी काटना है तो आपको एक बार में काटना है। यदि आप एक बार में काटते हो तो आपको पौधे बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इस तरह से आपको कटिंग करना है इस पौधे को। तो आप इस कटिंग करके आप छोटे छोटे पौधे को अच्छी तरह से ग्रो लाएंगे और जब ये पौधे ग्रो करेंगे तो आपको पौधा बहुत खूबसूरत देखने से लगेगी दोस्तों। इस तरह से मैंने कटिंग देखिए लगाई है और ये पौधे कटिंग लायक हो चुके हैं। तो इसको मैंने इस डब्बे में ग्रो कर कर दिखाती हूँ। तो चलिए, इस डब्बे में मैंने पहले पानी से मिट्टी को भिंगा ले रही हूँ। मिट्टी को भिंगाने के बाद आपको मैं दिखाऊँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस बोतल में मिट्टी को भर दिया और इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। और इसको देखिए इस तरह से यहाँ मैंने इसको ढक्कन निकाल दिया है। ये देखिए उल्टी बोतल को ढक्कन किस तरह से मैंने निकाली है। और ये देखिए इस तरह से मैं अपने इस पौधे को इस बोतल में लगाती हूँ। तो देखिए ये मेरे कटे हुए बोतल हैं, इसको लगाना आपको उचित है। तो आप किस तरह से लगाओगे दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये आप इस बोतल को इस तरह से रख लो। इस तरह से मैंने बोतल को रख लिया है और ये देखिए ये उल्टा बोतल को इस तरह से ये सदाबहार का पौधा इसमें लगाओ और ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मैंने उल्टा लगाया है इस बोतल में। देखिए किस तरह से मैंने उल्टा लगाया है, ये सदाबहार का पौधा मैंने उल्टा लगाया है। आप देख रहे हो कि ये कितने बढ़िया और कितने अच्छे तरह से लगी हैं सदाबहार का पौधा। आप देख रहे हो कटिंग द्वारा मैंने लगाई है इस तरह से। देखिए आपकी कटिंग द्वारा मैंने इस उल्टा बोतल में किस तरह से लगाई है इस पौधे को। तो इस पौधे को देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया है। तो आप उल्टी बोतल में अच्छी तरह से आप इस पौधे को लगाएं दोस्तों, इससे आपको पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे, इससे सदाबहार का पौधा निकल आएंगे, इससे फ्लावर अच्छे देंगे। इनका पौधे देखिए इस तरह से मिट्टियाँ हैं जो ग्रो करेगी। इसमें पौधे आप ऊपर की ओर से भी कुछ पौधे लगा सकते हो, जैसे आप पुदीना उदीना लगा सकते हो, ऊपर की ओर से निकल आएंगे। पर देखिए मैंने इस बोतल में उल्टा लगाया है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर देना लाइक दोस्तों। आप
फालतू बोतल जो आप घर में पड़े हैं उस बोतल को मदद से आप इस सदाबहार को पौधे अवश्य उगाएं, इस तरह से उगाएं, इस तरह से ग्रो करें, क्योंकि ये सदाबहार का पौधा यदि ग्रो करते हो दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगी और अच्छी तरह से ये फूल खिलेंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने इस तरह से मिट्टी में उल्टा बोतल में लगाई है, तो आप भी अपने घरों पर लगाओ, छत के ऊपर लगाओ दोस्तों। बाय बाय।